मार गई पेट्रोल डीजल की महंगाई, रह गए खड़े के खड़े, रह गए खड़े के खड़े। मार गई महंगाई अपना पेट भरे, भूल गए वो कुर्बानियां जो फांसी पर चढ़े। तो ये मतलब इलेक्शन का ट्रेंड ही समझे इसको, तो मतलब तब तक रेटों को कंट्रोल करके रखेंगे, उसके बाद बढ़ा देंगे। जो 18 रुपए का डीजल बढ़ गया ना, देश का पुट्ठा ही बह जाना है भाजी। अजे भी इन्नी हालत मंदी आ, मार्च का महीना टैक्स का टाइम है, बंदा पे टैक्स करूगा जो पहला तेल के रेट बढ़ाऊगा। सो यूक्रेन ते रूस विच अजे लड़ाई चल रही, उस करके क्रूड ऑयल ते बेहद असर पिया, ते पेट्रोल दे रेट वधन दी जिहड़ी गल सामने आ रही। सो इत्थे सर साडे मौजूद ने, सर तुसीं पेट्रोल पवा रहे हो, सुनन च आ रहा है कि हुण आउंदे समें दे विच पेट्रोल जिहड़ा है लगभग 22 तों 25 रुपए एकदम वध जाएगा, ते डीजल 18 रुपए दे करीब वधन दी गल सामने आ रही है। की समझदे हो इसदा की असर पवेगा? इसदा आम जनता दे ते बहुत ही माड़ा असर पवेगा, क्योंकि सारयां दा ही फाइनैंशली जो है रिकवरी खराब हो गई, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, जहाँ भी आने जाने का डोआ डोआई, महंगाई सारी महंगी हो जाएगी। इससे लगता है क्योंकि पंजाब दी चोणां हुण खत्म होकर हटियां ने, एकदम फिर ये वड्डी गाज जिहड़ी महंगाई की डिग रही है। ये तो चोणां दा ही पैकेज होता है, चोणां के बाद तो एक्चुअली हर जगह महंगाई बढ़ती है, तब तक रोक रखती है महंगाई को। ये तो ट्रेंड ही समझो इसका, इसको तो ये मतलब इलेक्शन का ट्रेंड ही समझो इसको, तो मतलब तब तक रेटों को कंट्रोल करके रखेंगे, उसके बाद बढ़ा देंगे। ठीक है सर, कहना कि इलेक्शन के टाइम तो सर रोक के रखा जाता, सो इधर भी कुछ लोग पेट्रोल पवाण आए हैं, इन्होंने गलबात कर लें। सर पेट्रोल के रेट वधन की गल सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अगले कुछ समय के 20 तों 22 रुपए पेट्रोल जो जूगा, की लगता है कि असर देखने को मिलेगा आने समय के? देखो भाजी मैंने तो इतना पता है नहीं, अब जो है जिस 100 काम ने 500 का डालना है डालना है, जितना बड़े बड़े है बस। सबसे बढ़िया चीज़ तो देश पहले सुरक्षित होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ है देश, देश के बाद में सब चीज़ है। देख लो यूक्रेन का क्या हालत है, मजबूत होने के बाद में ही 2 रुपये कम सही, पर मजबूत तो है ना, है ना, हम किसी से डर तो नहीं रहे हैं। चक्कर ये है मेन, सबसे पहले देश प्राथमिकता रहता है, बेशक 1000 का भी हो जाए बंदा सेफ है ना, आपके पास पैसा है जाके कोई छीन लेगा क्या ज़रूरी इस पैसे का, सेफ होना चाहिए सबसे मेन तो। पेट्रोल पवा के आए होने की लगता है आने समय के पेट्रोल के रेट वधन की गल सामने आ रही है, की समझते हो, की असर पेगा आने समय के, क्योंकि पिछले भी पेट्रोल बहुत ज्यादा वध गया, बहुत ज्यादा असर पैने वाला इस वे तो, इस वे से अच्छा तो सस्ता होना चाहिए, ऐसे तो गाड़ियां ही बंद हो जाएंगी फिर, वही है फिर। इस तो पहले भी पेट्रोल एकदम वध्या, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ 18 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਲ ਪਾਉਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੂਰਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੇਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੱਕਾ ਸਮੇਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਆ, ਗਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬੰਦਾ ਪੇ ਟੈਕਸ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਊਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਧਰ ਬੰਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੂਸ ਵਿਚ ਵਾਲੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਅੱਜ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 22 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 18 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
की लगता हूँ कि ये कहते ना कि सियासत सियासत में भी जोड़ के देखा जा रहा क्योंकि पंजाब के हमने चोणा मुखिया ने सियासत नाल ही है जी सारा कुछ चलते सियासत नाल पिया जो कुछ हो रहा सियासत कर रही सारा कुछ हर एक चीज़ महंगी उही कर रही है जी। ठीक है, सो इन्हें पंजाब के लोग जिन्होंने दसना किस तरीके दे नाल पंजाब के लोगों का कहना किस तरीके दे नाल पंजाब दा। हाँ जी कविता लिखिया थोड़ी दौलत लिखो जी जी प्लीज आ जाओ आ ट्रक दे मरे आ। हाँ जी प्यासी बंजर धरती किस किस का पेट भरे मार गई सरकारें अपना पेट भरे मजमों का बुनके जाल मासूमों को पकड़े प्यासी बंजर धरती किस किस का पेट भरे देशद्रोही कहे पकड़े जेल करे मार गई महंगाई अपना पेट भरे भूल गए वो कुर्बानियाँ जो फांसी पर चढ़े आज तक उनकी मजारों पर दिए नहीं जले उन माताओं के कालजे भी नहीं थे ठहरे एक और आंदोलन छिड़ गया फैसला कौन करे एक और आंदोलन छिड़ गया फैसला कौन करे प्यासी बंजर धरती किस किस का पेट भरे मार गई पेट्रोल डीजल की महंगाई रह गए खड़े के खड़े रह गए खड़े के खड़े मांगती अभी और कुर्बानियाँ इसका पेट ना भरे उन माताओं को पूछ कर दे जिनके बेटे अभी तक नहीं मरे प्यासी माँ ममता की मारी किस किस से लड़े। बहुत वधिया, सो इन्होंने तुसी देखिया कि इन्होंने कविता तक लिख दी हुई है महंगाई नूं लैके कविता तक लिख दी गई है। सो इन्हों का कहना कि जिहड़ी महंगाई है लगातार वधदी जा रही है हालांकि जे गल कीती जावे पेट्रोल डीजल दे रेटां दी तां जो गल सामने आ रही है क्योंकि रूस अते यूक्रेन दे विच चलदा जिहड़ा युद्ध है उसके कारण कितें ना कितें पूरी दुनिया के कच्चे तेल का जो भाव उस काफ़ी असर पाया पर उसका असर जोड़ा है हूँ कुछ समय के जो खबर आ रही ने कुछ समय के पेट्रोल के डीजल की कीमतों के देखने मिलेगा हम देखना यह होएगा कि कदों तो किन्नी रेट जोड़ा वध रहा है क्योंकि जो खबर सामने आ रही ने 18 to 20 रुपए तक डीजल की गल कही जा रही है तो 22 to 25 रुपए तक पेट्रोल के रेट वधन की गल कही जा रही है हम इस कि सच्चाई है कि किन्ना क रेट आने समय से वधेगा यह सूँ बेहद जल्दी पता लग जाएगा तो किस तरीके का वो लोगों के गाज डिगेगी इसका भी जल्द ही पता लग जाएगा। कैमरा परसन जसप्रीत के साइन रूला स्काई न्यूज़ पंजाब जीरकपुर।